नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़। मैं लिपिका, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कुणाल सिन्हा जो कि स्किन विशेषज्ञ हैं। तो स्किन डिजीजेस की जब बात आती है तो एक बीमारी है विटिलिगो, तो जिसको आम भाषा में सफ़ेद दाग भी कहा जाता है। तो ऐसे लोग, मतलब जो पुरानी सोच रखने वाले जो लोग हैं, वो लोग का कहना है कि ये फैलने वाली बीमारी है। तो ये विटिलिगो होता क्या है और क्या ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है? देखिए, विटिलिगो जो आम भाषा में हम लोग सफ़ेद दाग कहते हैं, विटिलिगो एक आजकल बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, बच्चों से लेकर बूढ़ों में विटिलिगो के केसेस आ रहे हैं। ये बिल्कुल भी कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, ये बिल्कुल भी छुआछूत नहीं है। इसका इलाज बिल्कुल संभव है, अगर जल्दी से दिखाया जाए तो 70% विटिलिगो ठीक हो सकते हैं। अन्य अन्य प्रकार के विटिलिगो होते हैं, किन्हीं को ओठ के अंदर हो जाता है, किन्हीं को बाहर चमड़े में होता है, तो ये अलग अलग टाइप्स के भी होते हैं और ये बिल्कुल कम्युनिकेबल नहीं है। इसका इलाज संभव है और ये समाज में एक गलत फहमी फैली हुई है कि ये छूने से फैलता है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, इसका इलाज बिल्कुल संभव। स्किन डिजीज़ बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। आजकल जैसे अभी के समय में बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को ये जो फंगल इन्फेक्शन बहुत फैला हुआ है। फंगल इन्फेक्शन इतना, मतलब क्या होता है कि लोग खुद ही बाहर जाके अपने से दवा दुकान में अलग अलग टाइप की दवा लगाते हैं जो कि उसको बैंड भी है, और उसके यूज़ करने से बहुत सारी एलर्जीज और रिएक्शन भी आती है और ठीक होने के बजाय फंगल इन्फेक्शन और बढ़ जाता है। बहुत सारे क्रीम्स, स्टीरॉयड क्रीम्स होते हैं जिसको लगा लगा के फंगल इन्फेक्शन को लोग दबा देते हैं, लेकिन उसको छोड़ने के बाद फिर और बढ़ के आता है। तो ऐसी चीज़ें ना करें, फंगल इन्फेक्शन का इलाज होता है, इसका इलाज बिल्कुल संभव है, लेकिन अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके दिखाएं और उसका पूरा कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट करें, है ना। आधा अधूरा इलाज और स्टेरॉयड क्रीम्स का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए फंगल इन्फेक्शन के केस में।